देखिए ये मार्केट में ऐसा ही टमाटर मिला था, तो ये 14 टमाटर है, देख लीजिए अब साइज। ये इसका नमक वाला चटनी मैंने खट्टा चटनी बनेगा। और इसका मसाला है देखिए, सौंफ, अजवाइन, काला जीरा, मंगरेला जो बोलते हैं, ये मेथी, ये सरसों, ये लाल मिर्ची और ये रांधनी, ये सब मसाला पड़ेगा चटनी में। आज हम दिखाएंगे किस तरीका से खट्टा चटनी बनता है, ठीक है ना। देखिए टमाटर हम इस तरीका से मैंने हम जला रहे हैं, पानी में ये नहीं दे रहे हैं कि गर्म पानी में ही गाल देकर उसका स्किन निकालेंगे, नहीं, किस लिए वो स्टोर करने का लायक नहीं होता है, ख़राब हो जाता है, कि स्टोर नहीं कर सकते हो, पानी का उसमें चल जाता है, कुछ करो उसमें तो पानी समा ही जाता है, इसलिए हम इसका अचार बनाने के लिए हम जला रहे हैं। इसका जो पानी भी रहेगा तन जाएगा, इसका स्किन भी निकल जाएगा, स्टोर करने के लिए अच्छा होगा, साल भर भी रख सकते हैं। देखिए ये स्किन तो मत हो इसके लिए, देखिए ये जल जा रहा है, देखिए स्किन तो आराम से निकल जाएगा, देखिए देखिए आराम से निकल जाएगा, देखिए अचार बहुत अच्छा होगा, स्टोर के लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छा खाने में भी अच्छा लगेगा। देखिए सारा टमाटर जल गया, देखिए स्किन कैसे निकल जा रहा है, देखिए अभी भी गैस जल रहा है, गर्म है, देखिए गैस जल रहा है अभी भी, देखिए गैस जल रहा है, गर्म है, इसी तरीका से देखिए स्किन निकल जा रहा है, ठीक है। देखिए कढ़ाई गरम हो गया है, ये मिर्चा हम डाल रहे हैं, ये थोड़ा तीखा नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में, थोड़ा चटपटा तो होना चाहिए ना। तो ये देखिए मिर्चा डाले हैं, गरम हो जाए, हम हाथे ही मेरा खुनती है। ये देखिए मेथी डाल दें, मेथी डालें, मेथी मोटा डालना है, थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है, और सब अब देखिए हम सौंफ डाल दें, सौंफ डाल दें, अब देखिए हम काला जीरा, अरे मंगरेला डाल दें, काला जीरा यहाँ बोला जाता है तो काला जीरा ही हम तो बोलते हैं वैसे हम। अच्छा अब देखिए ये सरसों, रांधुनी और ये अजवाइन, ये आप हम डाल दे रहे हैं, जैसे जब भूजेंगे ना तीखा हो जाएगा। बस हो गया, बंद गैस बंद। देखिए हम सब पूरा उसका इसके लिए सब निकाल लिए, देखिए पीछे का जो गांठ रहता है वो भी निकाल लिए, अब ये हम इसको मैश कर लें, बहुत अच्छा अच्छा तरीका से ये इससे मैश हो जाता है। ये हम तो मैंने इसको स्टोर करने से आगे ना इसको इसलिए हम पानी में नहीं दिए, वो तो हम आपको आगे ही बोल दिए, तो ये थोड़ा गर्म हो अभी हम काफ़ी मैश करें भूजें। देखिए एकदम मैश हो गया है, स्वाद अनुसार आप नमक दे रहे और कलर आने के लिए काश्मीरी मिर्चा, दो चार पत्तियां हम पुदीना के दे रहे हैं, इससे और फ्लेवर बढ़ जाएगा।
देखिए हम ये सरसों तेल डाल रहे हैं। देखिए इसमें आपको तो दिखाएं अचार का मसाला जी, मिर्चा दही मेथी उथी सब दिखाएं। अब ये हम ये डाल रहे हैं अचार का मसाला, डाल उसको भूज के पीस दिए थे। हाँ भूज कर मिक्सी में पीस दिए थे। देखिए ये जो टेस्टी लगेगा ना खाने में, आज इसमें बेसी दिन तक स्टोर करने के लिए ये विनीगर दे रहे, ख़राब नहीं होगा। देखिए एक चिप्पू विनीगर दिए, ये हो गया रेडी। आप बंद कर दे रहे हैं गैस।